आलता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मेरे पुराने लिपस्टिक का ब्रश है उसका यूज़ करूँगी, और या फिर आप ईयरबड का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने पुराने वीडियोज़ में ईयरबड का यूज़ करके आलता डिज़ाइन बनाए हैं, और ये मैं पाउडर फॉर्म वाला आलता कलर ले रही हूँ, और इसमें पानी मिलाकर मैं इसको यहाँ पर रेडी कर लूँगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो आज का जो आलता डिज़ाइन है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये तीज स्पेशल आल्टा डिज़ाइन है, और ये जो अभी आपके सामने पिक्चर शो हो रही है मेरे पुराने आलता डिज़ाइन की पिक्चर्स हैं। इनके वीडियोज़ भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के इस आलता डिज़ाइन में मैंने कुछ नया ट्राई किया है, क्योंकि ये तीज स्पेशल आलता डिज़ाइन है। यहाँ पर मैंने वीडियो के एंड में जब मैं आलता डिज़ाइन बना रही थी उसके बाद मैंने इसको फाइनल टच देने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट रंग का यूज़ नहीं किया है, फाइनल टच मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर से दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये नया एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा है। तो इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ।